ये देखिए, ये है कॉम्पस कार्ड की मशीन। आज मैं आपको सिखाता हूँ कि कॉम्पस कार्ड को किस तरह अपलोड किया जाता है। यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होती है, ज़्यादा लोग यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। इसे मशीन को कहते हैं कियोस्क, और यहाँ हर स्टेशन पे बहुत सारी इस तरह की मशीन लगी होती है, और काफ़ी लोग देख रहे हैं, आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं इसी तरह। चले, आज मैं अपना कार्ड आपको अपलोड करके दिखाता हूँ कि किस तरह इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले आप करते हैं लोड, ये टच स्क्रीन होती है जी। अब आपको कह रहा है टैप योर कार्ड, ये मैंने नीचे अपना कार्ड लगाया, ऊपर स्क्रीन आ गया, क्या लोड करना है। मैं कहता हूँ जी मैंने स्टोर्ड वैल्यू ऐड करनी है। तो पूछेगा कितनी अमाउंट की ऐड करनी है। मैं कहता हूँ $5 की ऐड करनी है। फिर वो कहते हैं कि पैसे डाले, ये कॉइन्स हैं, ठीक है। और देख रहे हैं जितने मैंने कॉइन्स डाले उतने वहाँ पैसे भी कम हो गए। जितने जितने पैसे डालता जा रहा हूँ उतने उतने यहाँ कम होते जा रहे हैं। देखें जी, अब वो कर रहा है आपको लोड करने के लिए। कार्ड लगाया मैंने, पैसे मेरे लोड हो गए। कह रहा रसीद चाहिए, मैं कहता हूँ यस चाहिए जी। अब मुझे उसने मैसेज दे दिया कि मेरा $5 का लोड हो गया, रसीद इसके बिल्कुल ये नीचे वाले काउंटर से मैं हटा के निकाल दूँगा। ये देखें जी, इस पर लिखा आ रहा है कि मेरे $5 लोड हो गए हैं, ठीक है। बड़ा ही सिंपल तरीका है जी, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। कार्ड कहीं डालना नहीं पड़ता। कुछ इसकी खसूसियात हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सिक्के सिर्फ इसके अंदर 5 सेंट, 25 सेंट, 10 सेंट, $1, $2 के चलते हैं। सिक्के होते भी यही है यहाँ पर। करेंसी नोट यहाँ 5, 10 और 20 का चलता है, और 50, 100 वाला नहीं चलता इसके अंदर। तो इसलिए अगर किसी के पास आए तो पहले उसका चेंज ले लो, किसी बैंक से ईजिली मिल जाता है। ये वो एरिया कि अगर आपने यहाँ से अपना वो डेबिट कार्ड लगा कर उसमें से पेमेंट करनी हो तो यहाँ डेबिट कार्ड इंसर्ट करो तो इजीली पेमेंट हो सकती है, ठीक है। हर मशीन से सेम एक जैसी मशीन है, कोई डिफरेंस नहीं इनका आपस में। ये इसके ऊपर जो है इसकी जोनिंग लिखी हुई है कि यहाँ पे असल में एक असूल है कि आपने जितना बैलेंस यूज़ करना है वो उस मुताबिक कटता है आपका, कि जिस जोन में आपने सर्विस यूज़ की है। बस आप कोई भी जोन की यूज़ कर लो वो जोन 1 ही रहता है, लेकिन जो ट्रेन होती है उसमें जोन्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जोन 1 है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जोन 1 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जोन 2 है, ठीक है, और ये जोन 3 है। इसके सर्विस चार्जेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक इन्होंने फैसिलिटी और भी दी हुई है कि अगर मतलब आपने मंडे से फ्राइडे तक 6:30 बजे के बाद ट्रैवल करना है तो फिर आप किसी भी जोन की बस पकड़ के चले जाओ, वो आपके लिए जोन 1 ही कहलाएगी, ठीक हो गया। और अगर आप वीकेंड्स पे ट्रैवल कर रहे हो तो फिर आप मतलब जैसे संडे सैटरडे या कोई हॉलीडे आ रहा है उस दिन आप कोई भी ट्रेन पकड़ लो वो जोन 1 ही कंसिडर की जाएगी, जैसे 6:30 के बाद वाली होती है ऑप्शन। तो ये आज मैंने आपको बता दिया कॉम्पस कार्ड का और यहाँ से ट्रैवल से रिलेटेड। बाकी ये है कि 1 टाइम ट्रैवल अगर आप स्टोर्ड वैल्यू से अपनी कार्ड की करते हो तो उसमें आपके चार्जेस आते हैं $2.3, लेकिन अगर आप अपने कार्ड को नहीं यूज़ करते, आप जो कैश पर ट्रैवल करना है तो $2.95 पे आप ट्रैवल करते हो, तो इसलिए बेहतर होता है आप ये $6 का एक कॉम्पस कार्ड बन जाता है, बाद में रिफंडेबल है। मतलब आप जाके इसको रिफ़ंड करके $6 वापस भी ले सकते हो जो आपको वापस चाहिए। लेकिन नॉर्मली लोग इसको रख ही लेते हैं पास, वो वापस नहीं करता होता, क्योंकि $6 कोई मायने नहीं रखता यहाँ पर, इतनी तेज़ इकॉनमी है। तो ठीक है, आपको आई होप कि कुछ मज़ा आया होगा आज देख करके किस तरह की मतलब मशीन या किस तरह यहाँ काम चलता है। थैंक यू जी।